नमस्कार, मी उत्कर्ष बोरा, महा 24 न्यूज वर आपले हार्दिक स्वागत। पाहुयात आजची विशेष बातमी। अफशा फारूक कुरेशी भारतातल्या खाटिक समाजातली बनली पहिली पायलट। भाईंदर मुंबई येथील फारूक इस्माईल कुरेशी यांच्या कन्या अफशा या नुकत्याच अमेरिकेतून पायलटचे प्रशिक्षण पूर्ण करून भारतात आल्या असून अशी लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या अफशा या भारतातल्या मुस्लिम खाटिक समाजातल्या पहिल्या सुकन्या असल्याने त्यांच्यावर संपूर्ण देशभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे। देशातल्या आणि विशेषतः राज्यातल्या मुस्लिम खाटिक, कसाई, कुरेश, कुरेशी बांधवांना अभिमान वाटेल अशी मोठी कामगिरी पायलट अफशा यांनी केली आहे। शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षण मुंबईतच घेतलेल्या अफशा यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनची इंजिनिअरिंग पदवी उच्च श्रेणीत संपादन केल्यानंतर त्यांनी कमर्शियल पायलट लायसन्सचा कोर्स अमेरिकेतून पूर्ण करून आपले पायलट बनण्याचे स्वप्न पूर्ण केले। परदेशी नोकरीची संधी मिळत असतानाही मातृभूमीत राहून देशसेवा करण्याच्या ध्यासाने त्यांनी येथेच नोकरी करण्याची मानसिकता बाळगली आहे। अतिशय खडतर परिश्रमातून मिळालेल्या या दैदिप्यमान यशात आई, वडील, आजी, भाऊ, बहीण, अन्य नातलग आणि प्रोत्साहन देणारे गुरुजन यांचा जरी मोठा वाटा असला तरी वडिलांनी दाखविलेले प्रचंड विश्वास, दिलेले प्रोत्साहन आणि प्रेम मला या यशापर्यंत नेण्यास उपयुक्त ठरल्याचे अफशा यांनी सांगितले। और उसके बाद 10th के बाद 12th मैंने साइंस से कंप्लीट की। ओके। उसके बाद मैंने पापा को बोली कि मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। और पापा ने हमेशा सपोर्ट किए, दादी ने हमेशा सपोर्ट किए और उन्होंने बोले ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपको इंजीनियरिंग से करनी है तो आप वो वैसा कम्प्लीट करो। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इंजीनियरिंग की एंड इवन मैं वहाँ पर भी टॉपर थी अपने बैच की। मेरे हाथ में जॉब थी और 6 लाख पर एनम, 6 लाख साल का, महीने का 50,000 था मेरे को। बट मेरे डैडी ने मेरे को मना किया, पापा ने मेरे को बोले जॉब नहीं करना है। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने विदाउट आर्ग्यूमेंट मैंने उनकी बात सुन के मैं चुप हो गई। 5-6 महीना मैं घर पे थी। तो फजर की नमाज के बाद एक दिन मैं पापा के साथ मैं नमाज पढ़ी, क्योंकि पापा भी शायद लेट हो गए थे मस्जिद के लिए। तो उसके बाद मैं नमाज पढ़ के बाहर आई, चाय पी रही थी, तो पापा मेरे पास आया, मुझे पूछे कि क्या हो गया, तू इतनी शांत है, खाना बराबर से नहीं, एकदम चुप चुप, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? तो मैं बोली पापा मुझे पायलट बनने को। तो पापा बोले तो बन, मैं हूँ तेरे साथ में। वो दिन है 10 मार्च 2019 और 10 मार्च 2020 मेरी पहली फ्लाइट थी। क्या हो गया इसमें, पायलट के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता, इंजीनियरिंग की थी। तो मैंने आप सेकेंड डे जैसे पापा से बात की वैसे ही मैंने अपना मेडिकल कंप्लीट की, जिसके लिए आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आई साइट, बॉडी पे स्कार, ये सब कुछ नहीं चाहिए, एकदम क्लीन चाहिए। तो वो सब कुछ हुआ और उसके बाद मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं जो कि बहुत टफ रहते हैं। तो हमने, अगर आप इंडिया से फ्लाइंग करोगे तो आपको 5 पेपर क्लियर करने, अगर आप बाहर से फ्लाइंग करेंगे तो आपको 3 पेपर क्लियर करने। तो मेरी फ्लाइंग ऑलरेडी बाहर से पापा के साथ में डिस्कस हो गई थी कि हम बाहर से करेंगे, तो मैंने 3 पेपर्स कंप्लीट किए अपने और मैं फ्लाइंग के लिए चली गई। 8 महीने का कोर्स होता है वो, बट कोरोना की वजह से वो थोड़ा इंक्रीज होकर मेरा 9-10 महीने हो गए। और मेरे से पहले एक भी बच्चे अभी तक है वहाँ पर, जॉब भी मिल गई मुझे वहाँ पर। बट उन लोग ने काफ़ी इंसिस्ट किए कि आप रुक जाओ, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया। मैं सोची कि मैं अपने इंडिया के लिए सर्व करूँगी और मैं आ गई। आने वाले अपनी बिरादरी की लड़कियों के लिए क्या मैसेज दोगी? आगे की जनरेशन की गर्ल्स के लिए मेरे लिए ये मैसेज है कि मैं नहीं चाहती कि वो लोग भी घर की चार दीवारी में रहे, बाहर निकले। और हर बच्चे के अंदर हुनर छुपा है, मेरे को खुद नहीं मालूम था कि मैं उड़ने के काबिल हूँ। मेरी पहली फ्लाइट ने मेरे को मालूम करवाया कि हर एक बच्चा हुनर के काबिल है, सबके अंदर छुपा है अपना हुनर। तो मैं तो पेरेंट्स से बोलूँगी कि अपने बच्चों के अरमानों को जागो, जगाओ, समझो, परखो और देखो तुम्हारा बच्चा भी एक दिन पायलट बन जाएगा।
है जमात की तरफ से, हम इस बच्चे की खुशी के लिए आए और इंशाल्लाह ऐसा होनहार बच्चा हमारी बकरी जमात बकरता से जमात में पहली बच्ची है जो पायलट बनी है, और हम उस वालिद का भी शुक्रगुजार है जिसने उनको ताउन किया और इस तक लाया, और मेरा और बकर कैसे जमात की तरफ से भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अशाच घडामोडीचा आढावा घेण्यासाठी आजच आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व पाहत रहा महा 24 न्यूज अहमदनगर।